নির্বাচনের প্রচার পর্ব শেষ হতেই মাতা ত্রিপুরার সুন্দরীর মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। বলেন, গত দু তিন মাস ধরে শরীর ভালো নেই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের। নিজের শরীর স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় অন্তরাত্মার শান্তির জন্য এই পূজার্চনা। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর গর্ভগৃহে ঢুকে নিষ্ঠা সহকারে এদিন পুজো পাঠ করেন প্রদ্যুৎ কিশোর বর্মন। तो मैंने माँ को अपने स्वास्थ्य के बारे, मन की शांति के बारे और हमारे पूरे त्रिपुरा का उन्नति के बारे मैंने प्रार्थना किया है। और मैं माँ को मानता हूँ। जब मैं बीमार था पिछले दो तीन महीने से, तो सपने में भी मुझे सपना में कुछ लग रहा था कि एक बार माँ से मिल लूँ। तो अब पूरा प्रचार ख़त्म हो गया है, तो मुझे लगा कि मैं आकर माँ से प्रणाम करके उनका आशीर्वाद दूँ। इलेक्शन के लिए नहीं, लेकिन दिल की शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए और त्रिपुरा के उन्नति के लिए। माँ के पास सब है। हम लोग माँ को आदर करते हैं, माँ का हम सम्मान प्रणाम करते हैं। माँ हमारी ही माँ मंगल चंडी हमारी कुल देवी है, माँ त्रिपुरा सुंदरी है। तो यहाँ मैं सिर्फ अंदर आत्मा की शांति के लिए आया। এদিন পূজো পাঠ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত এক সংবাদের বিবৃতিতে বলেন, কিছু গদি মিডিয়া আমার বক্তব্যকে বিকৃতি করে প্রচার করছে। আমি কখনোই বলিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি। मैं अपने लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन लेकर ही आऊंगा और उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा। मैं इलेक्शन और फाइट नहीं करूंगा, लेकिन मैं पीछे रहूंगा और सबको हेल्प करूंगा। और त्रिपुरा मोथा मेरा पार्टी है, मैं त्रिपुरा मोथा तो छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूं। लेकिन मैं और चुनावी प्रक्रिया में नहीं आऊंगा। मेरा काम है आपको देना। मेरा काम है कि नेता लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत रास्ते में नहीं जाए। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाना नहीं आया था। मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। मैं मंदिर में लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ। मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। मैंने ये कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं त्रिपुरा मोथा को छोड़ के चला जाऊँगा। मैंने कहा कि आज लास्ट डे है, इसके बाद आप मुझे पॉलिटिकल मंच में वोट मांगते हुए नहीं देखा जाएगा। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর এদিন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন পুজো দেন শিব মন্দিরে। এদিকে রাজপরিবারের পক্ষ থেকে পুজো দেওয়াকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইমস 24।